बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज फिर एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। ये कोई रेनी सीज़न हो तो आप उसमें मज़े से बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब और देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तो मैंने 1 किलो फ़िश ली थी, उसको साफ़ कर लिया है। अब ये मैंने ऑयल चढ़ा दिया है ऊपर और ये गर्म हो चुका है। इसके अंदर डालेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। की मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है और बिल्कुल ही अलग तरीके से है। आप लोग इसको देखें और इंजॉय करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस फिश पे मैंने सिर्फ नमक और अजवाइन लगा के इसको धोया था और कोई मसाला नहीं लगा हुआ, और इसको मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास है 4 अदद लहसुन के जो है, आधा टुकड़ा अदरक का, 2 सब्ज़ मिर्चें और 1 बड़ा प्याज। इन सबको मैं पीस लेती हूँ, तो मैं इसमें डाल देती हूँ इस तरह करके। अदरक भी डाल देती हूँ। ये जो मेरे पास है प्याज, इनको भी डाल देते हैं। और सब्ज़ मिर्चों को काट लेते हैं। इनको मैं बारीक मसाला कर लूंगी। मछली फ्राई हो चुकी है बगैर किसी मसाले के साथ, तो मैं इसकी साइड डिशेज कर देती हूँ। बस इसे आपने तेज़ आंच पे करना है, कोई स्लो आंच नहीं। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, तेज़ गरम घी में। बिल्कुल इसी तरह आपने, आपके पास जितनी मछली है आपने उसको फ्राई कर लेना है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। जी तो मछली फ्राई हो चुकी है, मैं इसको निकाल रही हूँ। इस तरह ऑयल निकालते जाएंगे। बर्तन को मैं हटा लेती हूँ, उसको साइड पर रख देते हैं। और उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे हांडी। जी तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे हांडी है, मैं उसको रखती हूँ, उसे गर्म होने देंगे। जी तो मसाला मैंने पीस लिया है इस तरह करके। अब इसको क्या करना है, हमने इस डंडे को साफ कर लेते हैं, इसको साइड पर करते हैं। अब उसके बाद मेरे पास है 1 चम्मच ज़ीरा और 2 साबित सुर्ख मिर्चें। ये मैं इस हांडी में डाल देती हूँ, पहले ज़ीरा फिर साथ में साबित सुर्ख मिर्चें। तो इस हांडी में मैंने आधी प्याली ऑयल डाली थी, उसके बाद इसके अंदर ज़ीरा डाला है आपके सामने और 2 सुर्ख मिर्चें डाली हैं। तो आप देख लें, मैंने वही ऑयल डाला है जिसमें मैंने फ़िश फ्राई की थी। अब उसके बाद ये मेरे पास मसाला बन चुका है जो मैंने पीसा था, ये मैं डाल देती हूँ। को लाइट ब्राउन कर लेंगे, मसाले को भून लेंगे हम। जी तो जब तक मसाला भून लेते हैं हम टमाटर काट लेते हैं। दो अदर टमाटर लिए थे मैंने।
मसाला फ्राई हो रहा है, इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। ये तो मसाला फ्राई हो गया है, अब इसके अंदर मैं टमाटर डाल देती हूँ। दो टमाटर जो मैंने काटे थे वो डाल दिए हैं, अब इनको भून लेते हैं। बहुत मज़ेदार और टेस्ट ये ज़बरदस्त बनती है, आप लोग इसको इसी तरह ट्राई करें तो ये लाजवाब बन गई है। टमाटरों के फ्राई होने तक मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर लेती हूँ। मसालों में मैंने ज़ीरा पहले ऐड कर दिया था, अब है मेरे पास सुर्ख मिर्चें। अगर आप सुर्ख मिर्चें नहीं पसंद करते तो आप लोग काली मिर्चें ऐड कर सकते हैं इसकी जगह। दो चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च ऐड की है, नमक है, टेस्ट के मुताबिक ऐड किया है, सूखा धनिया पिसा हुआ है वो एक चम्मच। आपने मेरे चम्मच का मेजरमेंट देख लिया है, ये छोटे चम्मच हैं जो मैं यूज करती हूँ, जो अक्सर स्पाइस रैक में होती हैं, इनको भून लेंगे। जी उसके बाद मेरे पास दही है, मैं इसको अच्छी तरह फेंट लेती हूँ और अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर देती हूँ। जी तो तीन चम्मच मैंने ये दही ऐड की है, अब इसको तब तक भूनेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। जी तो मसाला फ्राई हो चुका है, जो तेल या घी है वो मैंने जो अंदर डाला था वो बाहर निकल आया है। अब इसके अंदर मैं फिश फ्राई की भी डाल देती हूँ, तो जी ये मैं फिश डाल रही हूँ। ये मज़ेदार से मसाला मछली तैयार हो रही है और बहुत ही आसान तरीके से है। अक्सर लोग होते हैं पहले फिश को फ्राई नहीं करते, उस तरीके से भी बहुत मज़े की बनती है, लेकिन आप लोग ये तरीका ट्राई करें, इससे तो लाजवाब बनती है। और एक ख़ास बात बता दूं, इस तरह पकाने से आप लोगों का टाइम भी बच जाता है और ये जल्दी रेडी हो जाती है। आधा कप पानी डाल देती हूँ, ये देखिए ज़्यादा नहीं डाला मैंने, अब इसे पकने रख देते हैं। इस तरह फिश को प्यार के साथ ना हम मसाले में डिप कर देंगे ताकि ये मसाले का टेस्ट अब्सॉर्ब करती रहे। ये देखिए सारी फिश हो गई है सेट, आंच में कर देती हूँ कम। यहाँ पे आपने जो इसकी फ्लेम है वो लो कर देनी है और इसको पकने देना है। जी तो अब मैं इसके ऊपर कटा हुआ धनिया डाल देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार मसाला फिश तैयार हुई है और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। तो हल्की आंच में मैं इसको पका रही हूँ और इसको हमने कम अज़ कम 10 से 15 मिनट पकाना है ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर मसाले का टेस्ट जज्ब हो जाए मछली के अंदर। जी तो 10 से 12 मिनट हो गए इस फिश को पकाते हुए, अब ये ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम आराम से निकालनी है कि हमारे पीसेस टूट ना जाए। जी तो ये देखें बहुत मज़ेदार और अच्छी बनी है, फुल मसाला है। तो मैं इसके ऊपर ये थोड़ी सी इसकी ग्रेवी डाल दूँ। जी तो अब आपके पास हो नान, तंदूर की रोटी या सादा रोटी, आप लोग इसके साथ ये फ़िश ट्राई करें, मसाला फ़िश,
और मिंटो फूड की ये लाजवाब रेसिपी है, आपको फर्स्ट टाइम ये मिलेगी जिसमें पहले फिश फ्राई की गई है फिर उसको मसाले के अंदर डाल के कुक किया गया है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूंगी और आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।